title to chapter 2, compliances. पूरे सब्जेक्ट में यही सुनना है, कंप्लायंस कंप्लायंस कंप्लायंस. चलो टाइटल द फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट. पहला टाइटल दो, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट. अभी देखो सुना सुना लग रहा है, अब भी तो लिखा रे, याद है? या तो छापो आंसर या तो लिखो सेम एज चैप्टर वन. चलो नेक्स्ट टाइटल दो, कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस. अभी इसमें देखो कि कौन से एक्ट जनरली सब कंपनी को एप्लीकेबल होता है, ठीक है? तो उसको कैटेगराइज किया गया है. लेबर लॉ में अलग लिस्ट है, इनकम टैक्स में अलग लिस्ट है, इकोनॉमिक लॉ में अलग लिस्ट है. तो लिस्ट लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहला लिखो फर्स्ट लेबर लॉ. लेबर लॉ में कौन से लॉ है? ग्रेच्युटी, पता है ना? कोई भी पांच एक्ट के नाम लिखो जो अच्छे लगे वो. बस रे, पांच से ज्यादा मत लिखो, आता है इसका ये मतलब नहीं और लिखने का. चलो हो गया. सेकंड लिखो कमर्शियल लॉ. कमर्शियल लॉ में तीन तो स्टैंडर्ड होते हैं, कौन से? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, नेगोशिएशन, लिख के तीन. कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टोपा. टोपा म्हणजे एंड आईपीआर. नेक्स्ट होता है थर्ड कैटेगरी, सिक्योरिटी लॉज. उसमें मैं लिखा रहा हूं, मत लिखो, सेबी एक्ट 92, देन सकरा, व्हाट इज सकरा? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. देन नेक्स्ट सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. थर्ड डिपॉजिटरीज एक्ट. नेक्स्ट एलओडीआर. एलओडीआर ईयर 2018. एलओडीआर 2018. चलो नेक्स्ट लिखो फोर्थ कैटेगरी, इकोनॉमिक लॉ. इकोनॉमिक लॉ उसमें लिखो फर्स्ट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. एंड कंपनीज एक्ट.
Then Companies Act, Competition Act, next fourth to fourth na abhi ye to sabse important hai likho, standards prescribed by ICSI. Standards prescribed by ICSI. Next, SEZ Act, Special Economic Zone Act 2005. Then Money Laundering Act. कितने हैं? अरे बहुत ज़्यादा हो गए, छोड़ो, बस हो गया. Next लिखो Fiscal Laws. Fifth category. उसमें लिखो Income Tax, Second Custom Act, and third GST. और लास्ट लिखो फिफ्थ कैटेगरी, फिफ्थ या सिक्स, सिक्स एनवायरमेंटल लॉज. उसमें लिखो एयर एक्ट, हाँ वो प्रिवेंशन वेंशन मत लिखो, टाइम पास मत करो. एयर एक्ट 1961, 81, Air Act 1981, Water Act 1974, then NGT Act 2010, then Environmental Protection Act 1986. अच्छा यहां तक समझा? अच्छा सुन लो, आज मैं ना ज्यादा नहीं कर रहा हूं बिकॉज अभी जो कंसेप्ट है ना वो पूरा फॉर्म्स के ऊपर और कंपनीज के ऊपर है, तो वो क्या कंटिन्यूटी रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो ही वो बराबर होएगा, नहीं तो होएगा नहीं, क्योंकि आधे घंटे में वो कंप्लीट भी नहीं होएगा. सो नेक्स्ट लेक्चर है ना, गायब मत होना, क्योंकि कौन से फॉर्म्स का क्या प्रोविजन है, कौन सी कंपनी को क्या एप्लीकेबल है, वो सब चीज हम लोग करेंगे. ठीक है, चलो बाय बाय. क्या हुआ? चलो फर्स्ट टाइटल दो. टाइटल तो एक्टिविटी वाइज कंप्लायंस. अच्छा देखो अभी ये सब कंप्लायंसेस में जैसे एक्टिविटी वाइज कंप्लायंसेस होते हैं, देन इंडस्ट्री वाइज कंप्लायंसेस होते हैं, तो कौन सी एक्टिविटीज है जो जिसके लिए कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो इसके अंदर लिखो एक्सप्लेनेशन लिखो, फॉलोइंग आर सर्टन एक्टिविटीज लाइक नंबर वन बैंकिंग, सेकेंड इंश्योरेंस, थर्ड सेक्शन 8, फोर्थ प्रोड्यूसर, फिफ्थ प्लांटेशन, सिक्स एनबीएफसीज. देखो ये सारी एक्टिविटीज है, इनके लिए सबके लिए अलग अलग कंप्लायंसेस है. जैसे देखो एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो उन लोग के लिए पूरा कंप्लायंसेस अलग हो जाता है. ठीक है, फिर अगर मैं बैंकिंग इंडस्ट्रीज देखता हूं
तो बैंकिंग सेक्टर के लिए पूरा कंप्लायंसेस अलग है, क्योंकि उनके लिए कंप्लायंसेस ज्यादा आरबीआई के रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन 8 है, तो सेक्शन 8 इज प्योरली बेस्ड ऑन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके लिए कंप्लायंसेस बहुत अलग होते हैं। फिर जो तुम लोग प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के रजिस्टर्स चेक करोगे एट द टाइम ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, यू कैन नॉट चेक सेम डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ सेक्शन 8, बिकॉज बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर। बिकॉज प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कौन से इंटेंशन से चलता है? प्रॉफिट। सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट, वो सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस मोटिव से काम करता है, तो सबके कंप्लायंसेस अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड टाइटल, इंडस्ट्री वाइज कंप्लायंसेस। अभी देखो कौन सी इंडस्ट्रीज है, तो लिखो एग्रीकल्चर फर्स्ट, सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड ट्रेडिंग, फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ रियल एस्टेट, नेक्स्ट एजुकेशन, नेक्स्ट हॉस्पिटल, नेक्स्ट एंटरटेनमेंट। अब देखो यहां पे भी सब इंडस्ट्रीज के लिए लॉ अलग अलग हो जाते हैं। अगर मैं एंटरटेनमेंट की बात करता हूं, देन मोर इंपॉर्टेंट इज कंपनी लॉ एंड आईपीआर, बराबर। अगर मैं जैसे हॉस्पिटल देखता हूं, तो ड्रग्स एंड मेडिसिन एक्ट, पॉइजन्स एक्ट, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या तो फिर अगर मैं एविएशन अगर देखता हूं, तो उनके लिए एंटी हाईजैकिंग एक्ट, एयरक्राफ्ट एक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बराबर। तो जो ऑडिट के टाइम पे जो सेक्शन, जो कंपनी, जो एक्ट जो कंपनी के लिए मैं यूज करूंगा, जरूरी नहीं है वो सारे एक्ट में सब कंपनी के लिए यूज कर सकता है। अगर मैं सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहा हूं, सपोज को एंटरटेनमेंट कंपनी का, तो उनके लिए आईपीआर का ऑडिट भी मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बैंकिंग का करूंगा, तो बहुत अलग तरह से मेरे को ऑडिट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल दो, स्टेट वाइज कंप्लायंसेस। उसमें लिखो, अच्छा देखो स्टेट वाइज कंप्लायंसेस क्या है। आज जो रूल्स महाराष्ट्र में है, जरूरी नहीं है वो सेम रूल गुजरात में होगा, क्योंकि कुछ रूल स्टेट टू स्टेट डिफर होता है। जैसे देखो अपने यहां पे गुमस्ता लाइसेंस का फंडा चलता है, इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी शॉप एंड एवरीथिंग, करेक्ट। तो पहले मेरे को गुमस्ता लाइसेंस का लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो लाइसेंस लेने के लिए मेरे को क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होगी, कितने टाइम उसको रिन्यू करना है, तो मेरे ये महाराष्ट्र स्टेट के हिसाब से मेरे को वो रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा स्टेट है, तो वहां पे गुमस्ता लाइसेंस नहीं, कोई और लाइसेंस का फंडा चलता है, ठीक है, तो मेरे को अकॉर्डिंगली वो उसका ऑडिट करना चाहिए। तो स्टेट अगर चेंज हो गया, तो काफी सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे देखो पता है स्टेट टू स्टेट है ना, स्टैम्प ड्यूटी भी चेंज होता है, बराबर। तो अगर मैं सपोज कोई डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूँ रिलेटेड टू कि सब कंपनी नया इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो कितना स्टैम्प ड्यूटी का चार्जेस ये सब पे किया है, तो रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी मेरे को अलग अलग डेफिनेटली मिलेगा अगर स्टेट अलग अलग है तो, ठीक है। सो उसमें लिखो, देयर आर वेरियस लॉज विच मे डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। And therefore, there is a need of different compliances. There is a need of different compliances. Next settle though, compliances under Companies Act 2013.
यहाँ पे ना कुछ अराउंड 15 टाइप के पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स ना तुम लोग को बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये पॉइंट वो सब पॉइंट्स है कि तुम लोग को जब अगर ऑडिट करना है, चेक करना है कंप्लायंसेस, तो ये तुम लोग को सारे डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स प्रॉपरली चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। ये पूरा लिस्ट है, तो तुम लोग को एक टेबल बनाने का है सबसे पहले। चार कॉलम बना वैसे, चलो सबसे पहले लिखो पॉइंट नंबर वन, सेक्शन 184 सबसेक्शन वन, 184 सबसेक्शन वन क्या था बताएं, लिखो टाइटल में, तो डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर्स, डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर्स ऑफ हिज इंटरेस्ट, कब करना होता है ये, साल की पहली बोर्ड मीटिंग में, हाँ ये कब करना पड़ता है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है उसमें जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें डायरेक्टर ये डिस्क्लोजर देगा कि वो कौन सी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करके बैठा है और उसका काम कहाँ है, कितना करता है, कौन सी पोजिशन होल्ड है, कितना एक्टिव इंटरेस्ट है, वो सारी चीज डिस्क्लोज करेगा एज पर सेक्शन 184, ठीक है। तो सामने लिखो, इट इज डिस्क्लोजर बाय एवरी डायरेक्टर इंडिकेटिंग इज डायरेक्टरशिप इन एवरी कंपनी, इन एवरी कंपनी एंड इट इज सबमिटेड इन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फॉर्म होता है उसके लिए, सो ब्रैकेट में लिखो MBP1, MBP सेकेंड लिखो 164 सबसेक्शन 2, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर,
इसमें देखो इट इज फाइल्ड एट द टाइम ऑफ इट इज फाइल्ड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट बाय एवरी डायरेक्टर. DIR 8 ब्रैकेट में लिखो DIR 8 देखो ये जो चैप्टर है ना चैप्टर बहुत इजी है इसमें सारी यही चीज है और लास्ट में मैं तुम लोग को एक पूरा चार्ट बना के देता हूं वो एक चार्ट में तीन आंसर कवर हो जाएंगे तो मेहनत मत करना ज्यादा मॉड्यूल से मत पढ़ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और ये चैप्टर में से लास्ट एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन आया दो क्वेश्चन थे 5-5 मार्क ठीक है. थर्ड लिखो 92 सबसेक्शन 4 क्या था एनुअल रिटर्न उसमें लिखो एवरी कंपनी मस्ट फाइल एनुअल रिटर्न कितने दिन में 60 डेज विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ईजीएम. Next, fourth, extract of annual return. Sorry, section 92 subsection 3. Extract of annual return. What is extract of annual return? ये क्या होता है? और उधर annual return का form कौन सा होता है? पहले वो लिख लो ना. मजा आता है. Annual return MGT 7 bracket में लिखो MGT 7 अच्छा देखो तीन हुआ पहला कौन सा था disclosure second disqualification third annual return fourth extract of annual return okay. हाँ क्या होता है extract of annual return क्या होता है सुना है ना ये executive में सुना है गरे क्या होता है एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न अच्छा कभी एनुअल रिटर्न देखा है तुम लोग तो नाम मत बोलो रे लेक्चर में दिखाया था रिलायंस का 200 पेज का डाउनलोड मार के देखा था हम लोग ने हाँ उसका एक्सट्रैक्ट एंड व्हाट इज एक्सट्रैक्ट देखो कोई एनुअल रिटर्न अगर तुम लोग देखोगे ना वो 200-250-150 पेज का एनुअल रिटर्न होता है बराबर एक्सट्रैक्ट में खाली इंपॉर्टेंट चीजें ऐड की जाती है डिटेल्स ऑफ द कंपनी डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर के एम पी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेन मेन चीजें ना वही उसमें से उठा उठा के एक्सट्रैक्ट में लगाया जाता है पूरा 200 पेज लिखने का जरूरत नहीं है तो वो बन गया एक्सट्रैक्ट तो एक्सट्रैक्ट भी अगर पढ़ लोगे ना तो पूरे एनुअल रिटर्न का तुम लोग को हाईलाइट मिल जाएगा समझा इसके लिए उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं चाहिए तो एक्सट्रैक्ट में आगे चाहिए तो लिख के रखो इट कवर्स ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसमें
इसमें सामने लिखो, इट इज डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी, इसका फॉर्म पता है MGT 9, ब्रैकेट में लिखो MGT 9। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ 137 37, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ EGM। AOC कोई तो है, AOC 4 या अभी भी MGT पे ही है, AOC 4 लिखा देगा रे बस। चलो नेक्स्ट लिखो फिफ्थ कौन सा हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेक्स्ट लिखो सिक्स बोर्ड रिपोर्ट 134, ये तो पता होगा ना 134 बोर्ड रिपोर्ट, इसमें लिखो बोर्ड रिपोर्ट रे, इट इज prepared by company and at least two director and at least two directors will sign the same, next we go 136 सेवेंथ वाला, ये क्या है 136 प्लीज देखो 136 में सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें लिखो नहीं इसे लिखो इट इज अ ड्यूटी ऑफ कंपनी टू सर्कुलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ऑल द मेंबर्स at least 21 clear days in advance that's full stop in advance to obviously 21 clear days kiske AGM ke 21 clear days pehle tum logo ye sab members ko bhejna padega barabar kitne mein 7 next likho 8 101 notice of EGM.
कितने दिन पहले जाना चाहिए? 20 days एडवांस और क्लियर एडवांस, डिफरेंस पता है ना? एडवांस और क्लियर एडवांस क्या होता है? एडवांस मतलब एडवांस, एक मिनट, क्लियर का मतलब क्या बोला? जो डे होता है वो एक्सक्लूड करने का, ऐसा, और मीटिंग का डे एक्सक्लूड करने का। इन शॉर्ट 21 क्लियर डेज बोला ना, क्लियर का मतलब होता है यू हैव टू कैलकुलेट ओनली वर्किंग डेज, बराबर। और 21 डेज एडवांस बोला, देन यू कैन ऐड ऑल हॉलीडेज आल्सो, संडे वनडे सब कैलकुलेट कर सकते, ये क्लियर है। ओके लिख लो वो 21 डेज एडवांस, क्लियर एडवांस भेजना पड़ेगा सबको। हो गया, नेक्स्ट लिखो 173 क्या है? बोर्ड मीटिंग। अच्छा बोर्ड मीटिंग में देखो तीन रूल है, एक क्वार्टर में मिनिमम एक होना चाहिए, दो बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो वो लिख लो कि साल में मिनिमम कितना मीटिंग होना चाहिए? 4, और दो बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये दो पॉइंट लिख लो। बोर्ड मीटिंग चलो नेक्स्ट लिखो 173 सबसेक्शन 3 क्या था? नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। अच्छा 21 डेज एडवांस चलेगा और शॉर्टर नोटिस 7 डेज भी चलेगा, लेकिन अगर मैं 21 भेजता हूं तो चलेगा ना? अगर 21 चलेगा, 14 चलेगा, लेकिन 7 से नीचे नहीं चलेगा। सो लिखो शॉर्टर नोटिस इज अलाउड बट नॉट लेस देन 7 डेज। चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। हाँ वैसा है ना, हाँ देखो ये सेक्शन उसके लिए डील नहीं करता है, ये जो सेक्शन और सब सेक्शन है वो खाली इतना ही करता है। अच्छा बाय पोस्ट भेज सकता हूं, रजिस्टर्ड पोस्ट, बाई कुरियर, प्राइवेट कंपनी का कोई कुरियर है चलेगा? हाँ बोर्ड मीटिंग में अगर मैं सीएस है, मेरे को सबको नोटिस भेजने का है, तो मैं या तो स्पीड पोस्ट से भेजेगा बिकॉज दैट इज अ रजिस्टर्ड पोस्ट, या तो मैं अगर कोई बेचारे कुरियर वाले से भेजेगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा,
सकते हो, बस नहीं चलता है, ठीक है मेरे को चलेगा ना, पहुंच रहा है ना, चलेगा पक्का, चलेगा ना, बोर्ड मीटिंग में चलता है। और इलेक्ट्रॉनिक मोड चलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे बना के डाल दो चलेगा, लेकिन ये तुम लोग के एओई में लिखा होना चाहिए कि हम लोग कोई भी लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज करेंगे इंक्लूडिंग दिस दिस दिस, तो फिर चलता है बराबर। और लोग आजकल ऐसे ही डालते हैं, ये सब चल रहा है बोर्ड मीटिंग में, सब चलता है। ओके नेक्स्ट कितने हुए, 10, नेक्स्ट लिखो 139 सबसेक्शन 1, ये तो फेवरेट है सबको आता होगा, 139 सबसेक्शन 1 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कितने साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, 5 साल, और कितने टाइम में इंटीमेट करना है आरओसी को दैट बी अपॉइंटेड ऑडिटर, 15। इधर दो पॉइंट लिखना है, एक 5 साल वाला और एक 15 दिन वाला। 5 साल वाला पॉइंट क्या है, ऑडिटर 5 साल के लिए मैक्सिमम अपॉइंट हो सकता है, और अपॉइंटमेंट के बाद 15 दिन के अंदर आरओसी को इंटीमेट करना है, ठीक है ये दो पॉइंट लिखो। कौन सा फॉर्म, एडीडी 1, कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म, नेक्स्ट 203 अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस, इसको कैसे भूल सकते हो रे तुम लोग, शर्त मेरे को If company is paid up capital, more than rupees 5 crore, more than rupees 5 crore, then company must appoint, then company must appoint full time CS. लास्ट लिखो, एटी एट क्या है, 88 किसका पेनल्टी, देखो रजिस्टर्स ऑफ मेंबर, इसमें देखो इट इंक्लूड्स शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर्स, इट इंक्लूड्स शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स रजिस्टर, इधर देखो कितने हुए 13 ना, याद रखना है हो सके तो सीक्वेंस ये ही रखो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखो इधर पहला था डिस्क्लोजर, डिस्क्वालिफिकेशन, एनुअल रिटर्न, एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोटिस ऑफ एजीएम, बोर्ड मीटिंग, नोटिस रिलेटेड टू बोर्ड मीटिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स,
समझा समझा पक्का अभी देखो ये है ना सारी चीज कवर करनी है मतलब ये सब करना पड़ेगा कंपनी को मेंटेन मैंडेटरीली ठीक है पीसी होता है फिर एक स्मॉल कंपनी होता है और एक प्राइवेट कंपनी होता है अब देखो तुम लोग की बुक में ना बुक का देखो एक्चुअली में साइज बढ़ने का एक रीजन है कि इन लोग ने पहले क्या किया प्राइवेट कंपनी के लिए लिस्ट बनाया कि उनको क्या क्या चीजें कंपल्सरी मेंटेन करनी है ठीक है फिर उन लोग ने स्मॉल कंपनी का भी दिया है और उसके बाद उन लोग ने ओबीसी का भी दिया है सिंपल चीजें देखो ये प्राइवेट कंपनी है ये स्मॉल कंपनी है ये ओबीसी है तो अगर ओबीसी का पड़ा प्राइवेट कंपनी का पड़ा तो अल्टीमेटली स्मॉल कंपनी आ गया और अल्टीमेटली ओबीसी भी आ गया समझा हाँ अभी देखो ये जितने भी 13 पॉइंट्स है ना इसका लिस्ट बनाएंगे हम लोग सेपरेटली और उसमें खाली मार्क करेंगे कि कौन सी चीजें कौन सी कंपनी को कंपल्सरी मेंटेन करनी है और वही आंसर फिर तुम लोग को हर जगह छाप के आना है क्योंकि देखो क्वेश्चन वो लोग क्या पूछेंगे कि एज पर कंपनीज एक्ट स्मॉल कंपनी को क्या क्या चीजें मैंडेटरी मेंटेन करनी है बराबर या एज पर कंपनीज एक्ट ओपीसी को क्या क्या चीजें कंपल्सरी मेंटेन करनी है एक आंसर पढ़ो सब आ जाएगा बराबर चलो नेक्स्ट टाइटल दो वो लिस्ट बनाने का है नहीं मैं बता दो कैसा टेबल बनाने का ये जो पूरा लिखा ना 13 पॉइंट्स उसके ऊपर लिख लो और प्राइवेट कंपनी ये पूरा जो लास्ट तक लिखा ना स्टार्टिंग से उसमें लिखो और प्राइवेट कंपनी ये ड्रॉ करो ऐसे अच्छा टाइटल टाइटल दो कंप्लायंसेस फॉर प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी हो गया अच्छा सीक्वेंस याद है सीक्वेंस इधर देखो इधर इधर पहला डिस्क्लोजर डिस्क्वालिफिकेशन एनुअल रिटर्न एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद बोर्ड रिपोर्ट फिर सर्कुलेशन फिर
Notice of AGM. Board meeting. Notice of board meeting. Appointment of auditor. Appointment of CAS. Yaad rahega? Ka? Suno. Tera jo sequence hai na apni, wo idhar likhni hai. Line se. Ekdam short mein likhna, fatafat. Pehla kya tha? Likho disclosure. पूरा नहीं लिखने का रे लिखा है ना. ओके सेकंड बेस क्वालिफिकेशन फिर एनुअल रिटर्न चौथा एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न पांचवा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये जो चैप्टर है ना सेकंड वाला चैप्टर ये इसमें से ही पढ़ना बस है. मॉड्यूल को हाथ भी मत लगाना चलेगा. टू हाँ सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके बाद नोटिस ऑफ एजीएम देन बोर्ड मीटिंग भी टिक मारने का है ना. रुक जा. हाँ हाँ नहीं नीचे कुछ नहीं बस हो गया. हो गया लिख के. पहला कौन सा है? ये तीनों कंपनी में एप्लीकेबल होता है तो तीनों में टिक मारो. ओके दूसरा कौन सा है? ये भी सबको एप्लीकेबल होता है. वापस तीनों में टिक मारो. फिर कौन सा होता है? ये भी सबको एप्लीकेबल होता है. क्या क्या नहीं रे रुक जा रे. ओके वापस तीनों में टिक मारो. तीन तक आ गए. चौथा क्या है? एक्सट्रैक्ट फॉर्म कौन सा था? MCD 9 बराबर. पहले दो में टिक मारो तीसरे में कट करो. मतलब ओपीसी में एक्सट्रैक्ट नहीं आता है. ठीक है फिर कौन सा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये किसमें आएगा? तीनों में आएगा. अरे हाँ ना तीनों में ही आएगा रे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सब में बनता ही रे. उसके बाद क्या है? बोर्ड रिपोर्ट. कौन सा दो? पहला दो आएगा. ओपीसी में नहीं आएगा. उसके बाद क्या है? उसमें भी पहला दो तीसरे में नहीं आएगा. उसके बाद नोटिस ऑफ एचईएम पहला दो. ऑलराइट फर्स्ट टू. ओके उसके बाद बोर्ड मीटिंग तीसरे में आएगा कि नहीं आएगा? पहला दो तो कंफर्म है.
पैटर्न क्या है, नोटिस है ना, लो आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा बोर्ड मीटिंग क्या है रिटाइटल, अच्छा बोर्ड मीटिंग आएगा कि नहीं आएगा, सोच समझ के बताओ। अगर खाली बोर्ड मीटिंग है तो फिर तीनों में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नोटिस, ये भी तीनों में आएगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, पहला दो तो कंफर्म है, चलो तीसरा बताओ। तीनों में आएगा, ओके। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस पहले दो में आएगा, तीसरे में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, पीडब्ल्यू कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर है तो ओपीसी में वो जाता ही नहीं है, पता है ना वो, हाँ। और लास्ट क्या है, लास्ट में अच्छा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तीसरे में आएगा कि नहीं वो बताओ खाली, हाँ तो लास्ट में नहीं आएगा, पहले दो में आएगा, समझा। अभी देखो, अगर तुम लोग को क्वेश्चन आया ना कि राइट डाउन द कंप्लायंसेस रिलेटेड टू ओपीसी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, जाओ ओपीसी के लिस्ट में, कितने में टिक मार्क है, 7, बस उतने ही पॉइंट लिखने हैं, 7 पॉइंट्स हो गया, आंसर खत्म। आया कि कंप्लायंसेस अंडर स्मॉल कंपनीज, सब लिखने का, ओके। और लास्ट में प्राइवेट, वो तो सब, तो ये प्राइवेट वाला आंसर पढ़ोगे ना तो साथ में और दो आंसर हो जाएगा, समझा। एक बार रीड कर लो अच्छे से, याद रहेगा वो मेन टेबल, याद रखना कि कहां पे क्या क्या एप्लीकेबल है, वो अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइटल दो, रजिस्टर्स रिटर्न्स एंड बुक्स। Which must be maintained under Companies Act.
जो टेबल बनाओ वापस. गया चलो फर्स्ट लिखो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट कौन सा सेक्शन 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 पढ़ी से बहुत क्लोज. 42 फॉर्म 3, 2, 5 कौन सा है PS5 टू MGT मत लिखना ओए. नेक्स्ट लिखो स्वेट इक्विटी शेयर ब्रैकेट में लिखो रजिस्टर सेक्शन 54 और कौन सा मेंटेन होता है उसके लिए SH3 देखो इसमें ना टोटल तीन है. एक होता है SH2 एक होता है SH3 एक होता है SH6 हाँ तीन किसका है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और टू डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तीन सेट इक्विटी शेयर और सिक्स रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय देखो इसको याद ना कैसे मैंने कैसे रखा है दो वर्ड है SH2 तीन वर्ड है 3 छह वर्ड है 6 समझा तो SH2 किस चीज पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट 3 एंड 6 लिख लो तीनों लाइन से स्वेट इक्विटी का सेक्शन 54 डुप्लीकेट का 46 डुप्लीकेट का 46 एंड ईसॉप का 62 ये अलग अलग लिखना तीनों सीरियल नंबर जो भी है तुम लोग का 2, 3, 4 भी है वो
अरे आराम से रहते, 10 मिनट ले है, बट तुम लोग खाली मेन सेक्शन लिखो बस। इसका डुप्लीकेट 46 नेक्स्ट लिखो, रजिस्टर ऑफ पाइप और SH 10 नेक्स्ट 85 रजिस्टर ऑफ चार्जेस फॉर्म 7 नेक्स्ट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स सेक्शन 88 हाँ फॉर्म MCT 1। अच्छा देखो अगर क्या लिखा रजिस्टर ऑफ, तो उसके बाद पीछे आएगा रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर बराबर, और उसका फॉर्म क्या होगा MCT 2 सेक्शन 88 वो भी। नेक्स्ट एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 फॉर्म MCT 7 नेक्स्ट, अरे आराम से प्रॉक्सी फॉर्म नेक्स्ट लिखो, प्रॉक्सी फॉर्म सेक्शन 105 अरे फॉर्म MCT 11 ओके नेक्स्ट लिखो मिनट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मीटिंग्स 118 उसका कोई फॉर्म या फॉर्मेट नहीं होता है। नेक्स्ट रजिस्टर ऑफ लोन एंड गारंटीज है 186 MBP 2 और उसके बाद एक लास्ट रजिस्टर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 180 और फॉर्म MBP 4
ना समझा, ठीक है, इसको भी मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूरा टेबल, ये सारे बुक्स रिकॉर्ड्स इन सब कुछ आपको मेंटेन करना है। क्लियर यहां तक? चलो नेक्स्ट टाइटल, टाइटल दो कंप्लायंसेस फॉर लिस्टेड कंपनी अंडर LODR। अच्छा तुम लोग ने LODR 2015 पढ़ा था ना, अभी 2008, ठीक है, और काफी कुछ मतलब परसेंटेज ये वो माइनर माइनर चेंजेस उन लोग ने बहुत किए हैं, ठीक है, इतना समझा पहले, एक बार वो सीक्वेंस बताओ फिर से, डिस्क्लोजर डिस्क्वालिफिकेशन याद रहेगा। अच्छा रजिस्टर ऑफ चार्ज के लिए फॉर्म, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फॉर्म, फॉर्म बोलो खाली, SH2 किसके लिए, थ्री एंड सिक्स MBP 1। चलो यहां तक समझा, अभी से को LODR में है ना, ये LODR था क्या तुम लोग को, कौन सी हद तक था, बहुत तक था, तुम लोग ने तो भर भर के पढ़ लिया है ना LODR बराबर। हाँ अभी देखो LODR में है ना, इसमें काफी सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, ठीक है, और वो डिस्क्लोजर्स पूरे डेज के ऊपर चलते हैं, स्टार्ट होता है 30 मिनट से, बराबर 30 मिनट्स, वन डे भी है, 24 आवर्स भी है, 48 आवर्स भी है, 2 डेज भी है, ठीक है, उसके बाद है 5 डेज, देन 7 डेज, 10 डेज, 11 डेज, 15 डेज, 21 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, देन हाफ ईयरली एंड ईयरली 90 डेज, हाँ 90 नहीं है वो क्वार्टरली हो गया फिर, समझा, और ये सारे डेज तुम लोग को सब प्रॉपरली याद रखना है, कौन सा डिस्क्लोजर कितने टाइम के अंदर LODR के कौन से रेगुलेशन नंबर के अंदर करना है, समझा। अच्छा एक काम करो, ट्राई करो कि दोनों पेज सामने सामने लो, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत इजी होगा तुम लोग के लिए, क्योंकि मैं ना ऐसे तीन पार्ट में बता लिखाऊंगा, एक दो तीन, क्योंकि कुछ नौ है तो एक ही सारे साथ आएंगे ना तो पढ़ने में इजी होएगा। ये लिखा टाइटल दिया, उसके आगे स्लैश करके लिखो टाइटल के ही आगे, फॉर FOR इक्विटी एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तुम लोग भी एक काम करो साथ में ही लिखते जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा चार्ट है। हाँ टोटल 10 है, ठीक है, तो देखो या तो 3-3, 3-3 एंड 4, 1-2-3-4 रूल्स, 10 रूल्स लिखने हैं, ठीक है, तो 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 नीचे चार लिख दो वो बेस्ट है, लेकिन ट्राई करो कि ये 10 के 10 एक पेज में है पूरा, समझा।
तो फर्स्ट इधर लिखना, सेकेंड यहाँ पे प्रॉपरली सेंटर में आए वैसे लिखना, और थर्ड लास्ट में लिखना, ठीक है। मैं जो भी लिखूंगा ना, मैं तुम लोग को बताऊंगा, इधर ज्यादा स्पेस वेस्ट मत करना, क्योंकि नीचे के रेगुलेशंस अगर बढ़े तो वहां पे प्रॉपर स्पेस चाहिए फिर अपने, बराबर। तुम लोग का जरा सा भी पेज एक लाइन भी मैं वेस्ट नहीं होने देगा। बस ऐसा ही लिखने का है। जो रेड है वो एलओडी का रेगुलेशन नंबर है, ठीक है। छोड़ो, मैं बाद में बताता हूँ, रे दूंगा।
पहले इतना तो लिखो, अच्छा वो भी सुन लो थोड़ा, कि जो जहां पे ब्रैकेट में एडवांस एडवांस लिखा है ना, वो है सब इवेंट होने से पहले बताने का है। जिधर ब्रैकेट में एडवांस नहीं लिखा है वो इवेंट के बाद बताने का है। समझा? जैसे देखो बोर्ड मीटिंग में क्या कंक्लूजन निकला ये मैं 30 मिनट्स में बताएगा, कब? बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद। लेकिन इधर देखो जैसे ये अगर मैं एडवांस में बता रहा हूँ दो दिन पहले, तो एक रेगुलेशन 29(2) है और एक 39(3) है। तो अगर मैं कोई भी बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करने वाला हूँ बायबैक, आईपीओ, एफपीओ, एफसीसीबी, ईसीबी, ये सब का इश्यू, मेरे को दो दिन एडवांस में बताना, ठीक है? सब कुछ किसको बताएंगे? ये स्टॉक एक्सचेंज सब कुछ।
हो गया इतना लिख के.
अच्छा देखो ये 10 में क्या क्या था टाइम 30 मिनट्स लास्ट कितने में टोटल 10 बराबर ये याद रखना है आप लोगों को 30 मिनट्स कहता हूं रुक जाओ ओके 30 मिनट्स कहता हूं आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग इधर देखो इधर 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 24 मंडे एक मिनट एक काम करो पहले रीड कर लो ऐसा रिवाइज नहीं करनी है और रेगुलेशन नंबर याद रहेंगे करना ही पड़ेगा देखो एक तरीका है इसका याद करने का जैसे को पहले में है 36 30 मतलब 6 बराबर ना 30 ब्रैकेट में 6 रहे एक मिनट ऐसा लिखा अच्छा ओके उसके बाद है 30 वापस 6 देन 31 1 44 3 अभी देखो इसको जनरली लोग याद कैसे रखते हैं उसका एक टेक्निक है जैसे या तो तुम लोग डेज वाइज जाओ या तो ये सीक्वेंस फॉलो करो या तो नंबर वाइज जाओ नंबर वाइज जाओगे ना तो देखो 30 ब्रैकेट में 6 है ना उसको 306 समझो तो वैसे सबसे लोएस्ट नंबर क्या है 291 बराबर तो 291 बराबर 291 उसके बाद लोएस्ट नंबर समझे मैं क्या बोल रहा हूं हां तो वैसे लोएस्ट नंबर का लिस्ट बना लो 10 का कौन सा पहला 291 292 293 306 311 33 हाँ 333 30 341 39 3 44 3 बराबर अभी ये सीक्वेंस में फिर तुम लोग को याद रखना पड़ेगा बट इसमें प्रॉब्लम होगा डेज याद रखने में भारी पड़ेगा एटलीस्ट उधर डेज का सीक्वेंस फॉलो करोगे तो रेगुलेशन का नंबर जाएगा रेगुलेशन का नंबर फॉलो करने जाओगे तो डेज का सीक्वेंस जाएगा या तो फिर इसके बाजू में डेज का खाली नंबर लिखते जाओ ऐसे याद रखो हाँ डेज वाइज याद रखो ज्यादा बेटर है पहला कौन सा है 30 मिनट्स खाली डेज बोलो 30 मिनट्स 24 आवर्स 1 डे 48 आवर्स 2 डेज 5 डेज 7 डेज 10 डेज 7 नहीं है ना हाँ तो 5 के बाद 10 11 21 60 बराबर पढ़ लो एक बार अच्छे से
just start. Pahila, 30 minutes. Kya hai wo? Outcome of board meeting. Then, regulation bhi puchu. Padh ke hua. Are superb yaar. So, regulation number. Kitna time? 24 hours. Third. Usme. Okay. Then fourth. 48 hours. Usme. Conclusion of? Board meeting, general meeting. Okay. Then fifth. उसमें दो पार्ट है हाँ पहले में रुको 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 पहला ये साइड वाला एक आईपीओ एफपीओ एफसीसीबी ईसीबी ओके और लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट ठीक है उसके बाद 5 days उसमें चलो नेक्स्ट टाइटल तो ये जो हम लोग ने पढ़ा ना ये 10 पॉइंट जो थे वो किसके अंडर आते हैं LDR उसमें भी ब्रैकेट में देखो लिखा था इक्विटी एंड कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज के लिए ओके ये कितने में टोटल 10 ओके नेक्स्ट लिखो कॉमन ऑब्लिगेशन अंडर LODR उसमें ऐसे 3 पार्ट करो ये कॉमन है मतलब हर नॉर्मल सिचुएशन में भी ये तुम लोग को करना है वहां पे कैसा था अगर आईपीओ आईपीओ वो सब हुआ है तो ही करना है ये कॉमनली सबको करना पड़ता है फर्स्ट में लिखो सबमिशन ऑफ कंप्लायंस सर्टिफिकेट पहले में Submission of compliance certificate within 1 month. Of end of each half of the financial year. इसका मतलब क्या होता है? हाँ करेक्ट नीचे रेगुलेशन नंबर लिखो 7(3) ये किसको बेचने का ऑलवेज सब कुछ किसको बेचने का है स्टॉक एक्सचेंज ओके दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट सेकेंड में बाजू अपॉइंटमेंट ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट आगे लिखो विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखो 7(5) और लास्ट में लिखो Grievance redressal mechanism. So we go. Must be filed within 21 days from end of quarter. Within 21 days from end of quarter.
नीचे लिखो 13 वन थ्री यहां तक समझा पक्का. तो देखो पहला वाला कौन सा था एलओडीआर में फर्स्ट पार्ट पहला वाला पार्ट कौन सा था जो वो 10 लिखे एलओडीआर बट वो भी इक्विटी एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए था. ये दूसरा पार्ट था जो कॉमन है जो सबको एप्लीकेबल है उसमें कितने हैं 3 7 3 7 5 एंड 13 7 3 इज फॉर कंप्लायंस सर्टिफिकेट कितने दिन में देगा 1 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ ईच हाफ फाइनेंशियल ईयर. देन पांचवें कौन सा है वो कितने दिन में करने का 7 डेज बराबर. हाँ अभी इसमें भी देखो वो 7 डेज का कैलकुलेशन है ना तुम लोग ने ओरली उसको अपॉइंटमेंट किया वो सब नहीं है. जिस दिन एग्रीमेंट साइन होएगा ना वहां से 7 दिन मेरे चालू होंगे ठीक है. उसका अप्रूवल ऑफिशियली अप्रूवल होना चाहिए कि हाँ उसको हम लोग ने अपॉइंट किया है. और तीसरा क्या है ग्रीवेंस एड्रेसल ठीक है उसमें कितने दिन में हाँ वो एंड ऑफ द क्वार्टर में रेगुलेशन हाँ उसमें नीचे क्या ना नोट करके लिखो 13 के नीचे लास्ट वाले में कि वो जो तुम लोग रिपोर्ट सबमिट करोगे ना उसमें देखो तुम लोग को क्या क्या चीजें लिखनी है. मेन पहला चीज आता है सुन लो पहले कि पूरे क्वार्टर में कितने कंप्लेंट्स आए कितने कंप्लेंट्स सॉल्व किए और कितने कंप्लेंट अनसॉल्व रहे बराबर. ये तीन चीज लिखना पड़ेगा क्या क्या कितने एंड ऑफ आई मीन कितने पूरे कंप्लेंट्स आए इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर उसमें से कितने सॉल्व किए कितने अनसॉल्व हुए बराबर. और काफी टाइम है ना कुछ लोग अगर कम होते ना अनसॉल्व तो रीजन भी लिखते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये सॉल्व किए बट वो अगर आप कब लिख सकते हो गिन के दो चार है तो हर भर के हर के ऊपर रीजन बैठने लिखने का नहीं है बराबर. तो नीचे तीन पॉइंट लिख लो रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड और फिर वो तीन पॉइंट लिख लो. चलो ये दो समझा पहला क्या था आगे पहला क्या था रे पहला पार्ट जो 10 है इक्विटी एंड कन्वर्टेबल से खाली इतना बोलो चलेगा इक्विटी एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. दूसरा वाला है कॉमन ऑब्लिगेशन बराबर पुराना वाला याद है पहला क्या था वो नहीं एकदम पहला वाला डिस्क्लोजर दस मिनट डेज बताओ पहला 30 मिनट्स 2 डेज 5 डेज 7 डेज 7 डेज नहीं है ना हाँ तो 5 डेज 10 डेज 11 डेज 21 डेज 60 डेज बराबर. टाइटल तो थर्ड पार्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी विच हैज लिस्टेड आईडीआर अच्छा उसमें चार पार्ट में डिवाइड करो ये ऊपर तीन बनाया था ना अभी चार बनाओ
चार चार सामने सामने। अच्छा मैं यही वाली पैटर्न में लिखा रहा हुआ समझा, तो पहला लिखो 15 डेज, फिर नीचे लिखो आईडीआर होल्डिंग पैटर्न्स, आईडीआर होल्डिंग पैटर्न्स along with shareholding details, along with shareholding details. Share regulation ka number likho 69 bracket 1. Correct bola? सेकेंड लिखो फोर वर्किंग डे, फोर डेज नहीं चलेगा, फोर डेज लिखो खाली, इसमें लिखो नोटिस टू स्टॉक एक्सचेंज, रिगार्डिंग रिकॉर्ड डेट, लिखो 78 2, 8 ब्रैकेट में 2, थर्ड थर्ड में लिखो विद इन स्पेसिफाइड टाइम, नहीं इसमें लिखो फाइनेंशियल रिजल्ट्स must be submitted to stock exchange in home country, in home country as per LODR circulation. LODR circulation. में लिखो 70 ब्रैकेट में 1, 70 ब्रैकेट में 1, और लास्ट में भी सेम लिखो विद इन स्पेसिफाइड टाइम जो फाइनेंशियल रिजल्ट था उसको रिप्लेस करना है खाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, सीजी रिपोर्ट, लिखना है 72 ब्रैकेट में 2, तीन पार्ट हुए, तीन हुए इक्विटी, फिर कॉमन और आईडिया। हमें वैसे ही इसकी बात करना, हाँ वैसे कितने हुए, चार हो गए। अच्छा देखो आज सबसे पहले वो इंडस्ट्री इंडस्ट्री का छोड़ो, वो तो फालतू है, वो तो पूछने वाले भी नहीं है तुम लोग को, बस खा जा रही है तो बोलोगे स्किप किया, इसके लिए पढ़ा दिया तुम। अच्छा देखो सबसे पहले पढ़ा हम लोग ने वो कंप्लायंसेस, उसमें तीन कंपनी होती है, प्राइवेट, प्राइवेट इतना है, स्मॉल इतना है, ऑफिस और कम है, बराबर। अभी सुनो उसमें कितने थे टोटल, 13। उसके बाद क्या पढ़ा, रजिस्टर है, उसमें टोटल कितने थे, उसमें भी टोटल 13। उसके बाद इक्विटी एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज,
ठीक है, दूसरा कॉमन ऑब्लिगेशन, तीसरा आईडीआर वाला, बराबर। ओके, कॉमन ऑब्लिगेशन कितने हैं? तीन, आईडीआर में कितने हैं? चार, और पहले वाले में दस। कितना याद रहेगा पहले? ग्रेट। द ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी, ये फोर्थ है, ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट, फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसके डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड है उनके लिए, उसमें तीन है, तो तीन पार्ट में ड्रॉ करो। इजी है ना चैप्टर? ओके, पहले में लिखो टू डेज, बाजू में लिखो सेवन डेज, लास्ट में लिखो सेवन डेज, टू सेवन सेवन। टू डेज में लिखो, अच्छा टू डेज के ब्रैकेट में लिखो एडवांस, टू डेज के ब्रैकेट में लिखो एडवांस, उसमें लिखो इंटीमेशन अबाउट बोर्ड मीटिंग वेयर फॉलोइंग मैटर्स आर डिस्कस, रूल्स रिगार्डिंग ट्रस्टीज, rate of second, rate of interest, rate of interest, third security in form of assets, uska regulation number likho niche 822 82 2 82 ब्रैकेट में 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखो बच्चों में रिपोर्ट्स मस्ट बी सबमिटेड रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सेवन डेज फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ, मंथ प्रीवियस पे जाना चाहिए। रेगुलेशन का नंबर लिखो 82 3, अच्छा इसके आगे देखो एक रिकॉर्ड डेट वाला लिखा था, मिला वो सेम छापो इधर वापस। नोटिस टू स्टॉक एक्सचेंज, हाँ लेकिन फोर के बदले क्या लिखना सेवन, रेगुलेशन लिखना पहले लिख लो इतना, वो जो अभी लास्ट में लिखा था ना रिकॉर्ड डेट फोर डेज वाला, ठीक है। रेगुलेशन नंबर लिखो 87 2, डन।